आप लोग स्मॉल टाउन गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इट विल बी रियली 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 इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, दिस वीडियो इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो बिकॉज़ ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की थी कि वो मेकअप वीडियो देखना चाहती हैं और नॉर्मल मेकअप वीडियो है फॉर कॉलेज गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं और थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहती हैं एकदम फ्रेश दिखने के लिए। तो ये वीडियो उन गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स मार्केट जाती हैं, वो हल्का सा मेकअप करना चाहती है और एकदम फ्रेश लुक चाहती हैं और थोड़े बहुत फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं इस लिटल मेकअप के साथ, सिंपल मेकअप के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मेरी स्किन कुछ ऐसी दिख रही है नाउ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम रोज वाटर लेंगे। इसको अपने हाथों की मदद से सुखा लेंगे। देख लो गाइस, मैं वीडियो बना रही हूँ और ये बहन जी आ गई है हाय गाइस करने की। ट्राइपॉड देखती है और हाय गाइस कैसे करती है रात में। ना तुझे आप वीडियो बना दे रहे हैं तो वीडियो को बाय कर लो। बाय बाय बाय, जा निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइज योर फेस। I'm using this Cetaphil moisturizer. So मैंने बस इतना सा moisturizer लिया है। You guys can see this. अब मैं अपने चेहरे पे मैं तो guys two steps complete कर लिए। Next step होगा cream primer. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर गर्ल्स, फॉर लेडीज जो मेकअप करना पसंद करती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेकअप के बारे में बताऊंगी कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्किन के लिए बेस्ट है और हम क्यों यूज करें और क्यों ना करें, और मैं टिप भी देने वाली हूँ उसमें। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो रेड बटन से, और एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को बार बार सब्सक्राइब कर देते हैं तो वो सब्सक्राइबर घटते बढ़ते रहते हैं, इस वजह से प्लीज़ एक बार ही सब्सक्राइब करिएगा। सो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर और बेल आइकन बना हुआ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना गाइस। सो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है। मैंने प्राइमर क्यों लगाते हैं और प्राइमर से क्या होता है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताने वाली हूँ गाइस। इसके बाद ही मैं वो वीडियो शूट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड रहेगा इस वीडियो के बाद। आई होप वो वीडियो ही आएगी, हो सकता है कि कुछ अलग आ जाए, लेकिन पक्का लास्ट टू वीडियोज में मेकअप के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। सो मैंने प्राइमर लगा लिया है। नेक्स्ट, अब कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप बहुत ही इजी होना चाहिए। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम और गार्नियर बीबी। पॉन्ड्स बीबी क्रीम और गार्नियर बीबी, आप अगर आप लोगों का चेहरा थोड़ा अच्छा, स्किन आपकी थोड़ी गोरी है, थोड़ी मेरी गोरी नहीं है ना, तो आप अकेले पॉन्ड्स बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा सी ही इंडियन टोन है मेरी स्किन का, बिल्कुल प्योर इंडियन वाली। मैं ज़्यादा काली भी नहीं हूँ और गोरी भी नहीं हूँ। तो मैंने इतनी क्वांटिटी मिली है बीबी क्रीम और अपनी इग्नोर माय हैंड, और ये मैंने ले ली है गार्नियर बीबी क्रीम। तो गार्नियर बीबी क्रीम ना मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को और उसका मेरी स्किन से मैच हो जाता है और ये बहुत वाइट कर देती है। दैट्स वाई मैं इन दोनों को मिला लेती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को हमें गीला कर लेना है मिरर में देख। अगर हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं करेंगे तो ये पूरा ये जो क्रीम बेबी क्रीम है ये पूरी इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे ब्लेंडर में।
तो गाइस मेकअप करते टाइम हमें अपने नेक पे भी ध्यान देना है कि हम अपना मेकअप जो प्रोडक्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो शायद बीबी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ना उसको अपनी गर्दन पे भी यूज़ करना है, नहीं तो हमारा मेकअप अलग, हमारा चेहरा अलग लगेगा और हमारा मेकअप अलग लगेगा। मैंने क्रीम लगा ली, अब मेरी आँखें अलग लग रही है आपके बिकॉज ऑफ डार्क सर्कल्स। तो अब मैं बीबी क्रीम लेकर के थोड़ा सा बीबी क्रीम मैं अपनी अंडर आई में लगाने वाली हूँ और अपनी आईज के ऊपर थोड़ी सी बीबी क्रीम मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काला काला ज़्यादा रहता है। जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो कंसीलर कर लेते हैं और कॉलेज गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कंसीलर लगाएँ फाउंडेशन लगाएँ, और इतना हैवी मेकअप कॉलेज में अच्छा भी नहीं लगता है। दैट्स व्हाई हम सिंपल मेकअप रखेंगे। सो गाइस अब आप देख सकते हैं ये मेरा फेस लगाने के बाद कैसा लग रहा है। यूज़ करूँगी लाइन और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। फॉर सेटिंग माई मेकअप मैं करने वाली हूँ डर्माकोल का फिक्सिंग पाउडर यूज, मैंने ये ले लिया है। नाउ मैं इसे अपने अंडर आई पे अपनी हाँ ये वाली एरिया पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काला काला रहता है चेहरा ना, इसी पे हम सेट कर लेंगे। ये थोड़ा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे हटा देंगे। हम देंगे अपनी आईब्रोज को शेप, तो आईब्रोज को शेप देने के लिए हमें चाहिए मीन्स जेल आई लाइनर या आप आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ जेल आई लाइनर से अपनी आईब्रोज को शेप दे रही हूँ, तो मैं यहाँ ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर। सो गाइज मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है जेल आई लाइनर यूज़ करना, पहले मैं करती ही नहीं थी। तो आप लोग आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को आईब्रो पेंसिल मतलब यूज़ करना नहीं आ रहा, वैसे तो सबको आता है, सही आता हुआ तो मैं बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं बता दी हूँ। जेल आई लाइनर को हम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, बहुत थोड़ा सा, यू कैन सी दिस, और हम बस शेप देंगे क्योंकि शेप दे लिया। अब हम स्पूली की मदद से परफेक्ट शेप दे देंगे। आपने देखा कि मैंने कितना थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था और मैंने अपने दोनों आईब्रोज को शेप दे दिया। अगर आपके आईब्रोज थोड़े अच्छे घने हैं तो आप थोड़ा और प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने अपने आईब्रोज बनवाए हुए हैं तो मेरे ज़्यादा घने नहीं आए आईब्रोज, इस वजह से बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है मैंने। नेक्स्ट अब हम अपने ब्लेंडर की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से इसको हम ठीक कर लेंगे अपने पाउडर को, क्योंकि ये सेट हो चुका है। आई पैलेट बहुत ही लाइट कलर लेंगे हम, इसमें ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर लेंगे और इससे ही क्योंकि ये आंखें थोड़ी काली लगती हैं इस वजह से मैं कर रही हूँ आई शेडो लगाने वाली हूँ। ये कॉलेज गर्ल्स के लिए नहीं है, अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। दिस वन इज़ फॉर ओनली गर्ल्स हु आर गोइंग मार्केट और वो थोड़ा सा टचअप करना चाहती हैं, पर ये उनके लिए है। और जो गर्ल्स थोड़ा और छोटा सा शॉर्ट फोटो शूट कर रहे अपने पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं उनके लिए। ये लगवाएंगे कॉपीराइट ऑटो वाले। अब देख सकते हैं जो मेरी आंखों में मेरे डार्क सर्कल्स थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। कलर का मस्कारा यूज कर रही हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरी नॉर्मल आईलिड है और ये देखो आप मस्कारा लगाने के बाद तो ये चेंज हो जाता है मस्कारा लगाने से। आई एम डन विथ मस्कारा। नाउ ब्लशर, ब्लशर जो कॉलेज के लिए ब्लशर नहीं है गाइस लगाना तो बता सकते। सो मैं बहुत ही गंदी लड़की हूँ, मैं ब्लशर बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ना जल्दी जल्दी करने के लिए मैं क्या करती हूँ अपनी ऑरेंज लिपस्टिक लेती हूँ
और ब्लशर लगाना, कॉम्पैक्ट वाला जो ब्लशर होता है वो लगा कर ना दिखाऊंगी। ये तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे दिखा दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया। गाइस मैंने लिपस्टिक से इसलिए दिखाया क्योंकि जब हम कहीं फोटो वोटो क्लिक करनी होती है हम लोग, हम जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और कॉलेज जाने के लिए भी हम जल्दी रेडी होते हैं। और मतलब जैसे हमें कहीं मार्केट जाना होता है तो एकदम से सडनली जो प्लान बनता है तो जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लिपस्टिक लगा ली है और वही ब्लशर लगा ली है लिपस्टिक से, इसलिए मैंने ब्लशर ऐसे लगाना बताया। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे सुपरमेट का लिप लाइनर लिप्स के लिए। ये ना बहुत अच्छी लिप लाइनर है, अगर आपके पास ग्लॉस है तो आप इसके बाद ग्लॉस लगा लोगे तो लिप्स आपके बहुत अच्छी लगेगी। तो नियॉन का लिप जल्दी में हो आप अपने शेड का लगा सकते हो। इंग्लिश में लगाने वाली हूँ ये, तो गाइस हाइलाइटर तो हम ऑनली अपने चीक बोन्स पे लगाते हैं ताकि हमारे जो चीक बोन्स है वो थोड़ा ग्लो ग्लो करें। हम ब्लशर इसलिए लगाने के बाद देख रहे हैं आप मेरी गाल ब्रश कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं तो मैं आपको ब्रश से लगाना भी बता देती हूँ कि ब्रश से कैसे लगाते हैं। ब्रश में हम बहुत ही हल्का थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और टिक टिक जो हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट होगा वो हट जाएगा। काजल ये है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल, ये मैं स्कूल टाइम से यूज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। काजल लगाते टाइम तो मुझे आंसू आ जाते हैं, अगर आप लोगों को भी आ जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो गाइस आई एम रेडी। और आप हाई पॉनी बना सकते हैं, आप अपनी जो टिक्की ब्रेड बना सकते हैं, आप जैसे चोटी करना चाहते हैं हम वैसे कर सकते हो। मैंने जैसे ही कर रखा है मैं वैसे ही करूँगी क्योंकि मुझे एक वीडियो और शूट करना है इसके बाद। सो गाइस देख सकते हो मेरा मेकअप, गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लव माई मेकअप, यू गाइज लव दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट टू कमेंट्स। यार गाइस आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो मेरे वीडियो पे, मैं मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत है आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, तो यार भर भर के कमेंट्स करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सो इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप लोग ऐसा मेकअप लोग क्रिएट करते हो तो मुझे मेंशन करना मत भूलिएगा, लिंक मैं इंस्टाग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Stay healthy, stay happy, stay connected, stay tuned for next video. Bye guys, मिलते हैं next video में, bye.